चल सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। एक बेसिक टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल ए। एक क्या है, नॉन वेरिएबल है तो ये जीरो हो जाएगा। टू से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल जीरो। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y से भाग दे दो तो ये हो जाएगा x अपॉन y प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल जीरो। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल जीरो। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे एक अवकलन समीकरण कहते हैं। तो अवकलन समीकरण क्या है, इसे समझने के लिए एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और डेरिवेटिव्स अवकलज शामिल हो उसे क्या कहते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस अवकलन समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डेरिवेटिव्स। तो जिस इक्वेशन में ये तीनों चीज शामिल होंगी उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है। यहाँ पे देखिए ये एक पिलर है, ठीक है, और इसमें एक पत्थर हमने टिका रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो ये पत्थर है ये इसके ऊपर टिका है, अगर ये हिल जाएगा, ये अगर हिलेगा तो ये गिर जाएगा। मीन्स ये पत्थर पूर्णतः किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है। तो ये है एक्स, एक्स मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे कहते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और ये है आश्रित चर, क्या है ये, आश्रित चर। ये आश्रित चर कौन सा है, वाई। मीन्स एक्स एक स्वतंत्र चर है और वाई आश्रित चर है। y किस पे निर्भर है, x के मान पे निर्भर है। y x के मान पे निर्भर है इसलिए y को आश्रित चर कहते हैं, x को स्वतंत्र चर कहते हैं। ये अगर ये पत्थर हिलेगा तो ये ऊपर वाला गिर जाएगा, जबकि ये हिल रहा है, स्वयं हिल रहा है और इसके हिलने से ये हिल जाएगा, ये गिर जाएगा। मीन्स ये इसका जो वेट है वो कंप्लीटली इस पे निर्भर है। तो इसको स्वतंत्र चर कहते हैं और इसको आश्रित चर कहते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें स्वतंत्र चर भी हो, आश्रित चर भी हो और डेरिवेटिव क्या हो, dy अपॉन dx स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज। तो जिसमें ये तीनों चीजें हैं ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक अवकलन समीकरण है। अभी तो हम कह रहे थे जिसमें डेरिवेटिव्स हैं, ये किस प्रकार से एक अवकलन समीकरण है। देखिए dx से डिवाइड कर लो, या यूं कहें कि ये dx इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा x प्लस साइन x। तो ये क्या होगी, एक अवकलन समीकरण हो गई। इसमें डेरिवेटिव्स क्या है, dy अपॉन dx। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल जीरो। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल जीरो। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती कितने प्रकार की, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। देखिए ये जो दोनों हैं इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जो dy अपॉन dx है या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो जिसमें ये अवकलज आएंगे ये होती है, एक होती है ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है PDE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं सामान्य अवकलन समीकरण।
जो जनरली अवकलन समीकरण होती है, सामान्य सामान्य अवकलन समीकरण, इसको क्या कहेंगे? आंशिक अवकलन समीकरण। सामान्य अवकलन समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो, जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो, ऐसी अवकलन समीकरण को क्या कहते हैं? सामान्य अवकलन समीकरण। यहां देख लीजिए आप, dy अपॉन dx भी आ रहा है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x केवल। यहां पे अगर दो बार भी इसका अवकलन हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ये, तो यहां पे x स्क्वायर है, लेकिन चर क्या है इसमें? एक ही चर है, स्वतंत्र चर x, x ही स्वतंत्र चर है इसके डेरिवेटिव्स में। तो जिसमें एक ही स्वतंत्र चर होगा, तो ऐसी अवकलन समीकरण क्या होगी, या यूं कहें साधारण शब्दों में, जिसमें dy वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब d वाले टर्म्स आए, d अपॉन डी एक्स वाले टर्म आए, वो सामान्य अवकलन समीकरण है। और ये क्या है? इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसको पार्शियल क्या हुआ, देखिए, जिसमें एक आश्रित चर और दो या दो से अधिक क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे u आश्रित चर है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x, y और z, ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, वो क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।